इंजीनियरिंग ड्राइंग की परीक्षा में पास होने की पूरी गारंटी। जी हाँ दोस्तों, फर्स्ट ईयर एग्जाम 2020 पेपर इसी तरह आता है, पास होने की पूरी गारंटी। अगर आप वीडियो देख लेते हैं तो आपको पूरी अपडेट मिल जाएगी कैसे कैसे एग्जाम में आपको पेपर क्वेश्चन पूछता है। दोस्तों इस वीडियो में हम आपको एक 20 पेपर सॉल्व करके दिखाएंगे, उसके बाद आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे कौन कौन से क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं। अगर आप इस वीडियो देख लेते हैं तो दोस्तों आपका पूरी कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी और दोस्तों एग्जाम में आपके अच्छे नंबर आ सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो के कम से कम 2-4 पार्ट्स आएंगे, सभी पार्टों को आप जरूर देखिएगा और चैनल पर पहली बार सब्सक्राइब जरूर करिएगा और इस वीडियो को शेयर करिएगा ताकि सभी विद्यार्थियों तक यह महत्वपूर्ण अपडेट पहुंच जाए। दोस्तों यह वीडियो बहुत ही मेहनत करके बनाया जा रहा है तो आप लोग हमारा हौसला बढ़ाइए और आप सभी लोग के लिए हम बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं जो आपके एग्जाम में एकदम 100% आने की चांस है, रामबाण साबित हो सकता है। दोस्तों सभी बात करेंगे यहाँ पर हम इंपॉर्टेंट पेपर के बारे में, देखिए एक पेपर आपको सॉल्व करके दिखाएंगे। मेरे पास 2-4 पेपर सॉल्व हैं, फटाफट एग्जाम से पहले आपको पूरे वीडियो अपलोड मिल जाएगी, इस चैनल पर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो सबसे पहले आप जानते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या क्या आपके एग्जाम से रिलेटेड हैं, फर्स्ट ईयर के एग्जाम से प्रश्न यहीं से आएंगे। जी हाँ दोस्तों, परीक्षा में से प्रश्न यहीं से आएंगे, यही सारे प्रश्न जो हैं आपके परीक्षा में पूछे जाएंगे। इसको स्टार्ट करने से पहले दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, स्टार्ट हम लोग यहाँ पर एक प्रैक्टिस सेट पेपर को सॉल्व करके देखेंगे, उसके बाद आपको हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हम नोट किए हैं उसको आपको हम शेयर करेंगे क्या क्या आपको पढ़ना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक प्रैक्टिस पेपर को सॉल्व करके देखते हैं। तो दोस्तों इंजीनियरिंग ड्राइंग की परीक्षा में सबसे पहले हम लोग एक प्रैक्टिस पेपर सॉल्व करके देखते हैं। देखिए एनिमल सिस्टम फर्स्ट ईयर पेपर है, बहुत इंपॉर्टेंट पेपर है। देखिए इसमें क्या क्या पहली बार पूछा गया था, देखिए पूछा गया था यहाँ पर नेट स्क्रेच स्लॉट नट, जी दोस्तों स्लॉट नट पूछा गया था। उसके बाद सेकंड पूछा गया था एनी टू टाइप्स ऑफ स्क्रूप ड्राइवर इन नेमोक्लेचर। उसके बाद पूछा गया था यहाँ पर रेगुलर हेप्टागन इन सर्किल लेंथ ऑफ वन साइड, जी दोस्तों यहाँ पर रेगुलर हेप्टागन पूछा गया था। उसके बाद पूछा गया था यहाँ पर ए प्लेन स्केल 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 5 मीटर, जी दोस्तों यहाँ पर आपको ऐसे पूछा गया था। उसके बाद आपको फ्री हैंड स्क्रैचिंग, जी दोस्तों फ्री हैंड स्क्रैचिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, क्रॉस पिन यहाँ पर हैमर को बनाने के लिए बोला गया था। उसके बाद यहाँ पर आपका सेकंड क्वेश्चन जो था यहाँ पर पूछा गया था यहाँ पर ऑर्थोग्राफिक बनाने के लिए, सेकंड क्वेश्चन देख लीजिए, सेकंड क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ बताया गया था हॉरिजॉन्टल शाफ्ट बेयरिंग ड्रॉ द सर्किल ऑर्थोग्राफिक इन द थर्ड एंगल प्रोजेक्शन, जिसमें आपको एवलेशन साइड व्यू टॉप व्यू बनाना था। जी दोस्तों ये आपका 30 नंबर का था और ऊपर वाले आपका 20 नंबर था, मतलब पूरे प्रश्न आपके यहाँ पर 50 नंबर का पेपर था और आपको 3 घंटे का समय मिला था, इंजीनियरिंग ड्राइंग की परीक्षा थी। उसके बाद देख लीजिए यहाँ पर नीचे आते हैं, यहाँ पर देख लीजिए आपको यहाँ पर फिगर दिया गया है जो आपका थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में है वहाँ पर आपको बनाना है। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं हम फटाफट है, आंसर आपके सामने इस तरह से दिखाई देगा। देखिए आपको हम आंसर फटाफट दिखा देते हैं। देखिए यहाँ पर हेक्सागनल नट, यहाँ पर देख लीजिए हेक्सागनल नट जो बेहद इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में हर साल पूछा जाता है, बेहद इंपॉर्टेंट है, इस परीक्षा में पूछा गया था हेक्सागनल नट कुछ तरह से बनेगा। जी दोस्तों हेक्सागनल नट देख लीजिए आप सभी लोग, यहाँ पर सब कुछ डायमेंशन वगैरह दिया गया, ये आपके किताब में भी दिया होगा इंजीनियरिंग ड्राइंग की परीक्षा में। अब आप आगे बढ़ते हैं, देखिए आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं आगे, देखिए देखिए यहाँ पर जो आपका स्क्रूप है, जी हाँ दोस्तों स्क्रूप सारे प्रकार के स्क्रूप हम आपके सामने दिखा रहे हैं, देख लीजिए ये सारे स्क्रूप आप देख लीजिए, लेग स्क्रूप ड्राइव स्क्रूप राउंड स्क्रूप फ्लैट हेड स्क्रूप ओवल हेड स्क्रूप, मतलब जो भी आपके एग्जाम में पूछा जाएगा उसको आप बनाइएगा, यहाँ पर सब कुछ नहीं पूछा जाएगा, कोई भी एक दो पूछा जा सकता है। उसके बाद बढ़ते हैं अगले आंसर की तरफ, अगला आंसर जो हमारे इस प्रकार से पूछा गया है, देखिए यहाँ पर रेगुलर हेप्टागन, जी हाँ दोस्तों सम पंचभुज कुछ इस तरह से बनेगा, इसको आप बनाइएगा जरूर अपने एग्जाम में, बेहद ही आसान है और इसका वीडियो हम अपलोड कर दिए कैसे आपको बनाना है, जाकर आप प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा, बेहद ही अच्छा क्वेश्चन है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ, ये देखिए समष्टभुज है, ये भी एग्जाम में पूछा सकता है, इसको भी आप बना सीख लीजिएगा। उसके बाद अगला जो यहाँ पर देख लीजिए हैमर के बारे में पढ़ते हैं, हैमर देखिए बाल पिन हैमर हो गया, क्रॉस पिन हैमर हो गया, या फिर क्ले हैमर हो गया, या फिर मैलेट हो गया, या फिर रिवेटिंग हैमर हो गया, या फिर बॉक्स स्पेंसर हो गया, या फिर फिलिप्स स्क्रू ड्राइवर हो गया, ये बेहद इंपॉर्टेंट है। इसमें देख लीजिए बाल पिन हैमर और क्रॉस पिन हैमर बेहद इंपॉर्टेंट है, इसको आप बनाना सीख लीजिएगा, बहुत ही अच्छा है ये क्वेश्चन है, मतलब हैमर से तो एक जरूर स्केच फ्री हैंड स्केचिंग आ सकता है। उसके बाद अगला जो यहाँ पर आंसर था बेहद ही अच्छा है, देखिए आंसर जो यहाँ पर थर्ड एंगल प्रोजेक्शन पूछा गया था, तो एक बार आप क्वेश्चन को देख लीजिए आपके एग्जाम पूछा गया था, देखिए ये आपका फ्रंट हो गया, ये आपकी साइड हो गई और ऊपर जो दिखता है आपका टॉप हो गया, थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में जो जहाँ दिखता है वहाँ बना देते हैं, यहाँ आपका फ्रंट बनेगा, यहाँ आपका टॉप बनेगा और यहाँ आपका साइड बनेगा। जी दोस्तों यहाँ पर आपका फ्रंट बनेगा, यहाँ पर आपका साइड बनेगा और यहाँ पर टॉप बन जाएगा, तो कुछ इस तरह से आप देख लीजिए आंसर बना है, ये आपका थर्ड एंगल प्रोजेक्शन इस तरह से आपका यहाँ देख लीजिए आंसर भी बना हुआ है, ये देखिए यहाँ पर देख लीजिए। वीडियो का सभी लोग लाइक करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि नेक्स्ट पार्ट जो आएगा बेहद इंपॉर्टेंट आने वाला है। देख लीजिए यहाँ पर देख लीजिए यहाँ पर आपका क्या बना हुआ है, टॉप बना हुआ है, यहाँ पर आपका फ्रंट बना हुआ है और यहाँ पर आपकी साइड बनी हुई है, कुछ इस तरह से यहाँ देख लीजिए आंसर यहाँ पे आपका सॉल्व दिखाई दे रहा है। एक बार आप इसको सॉल्व करिएगा, आपका आंसर कुछ इस तरह से होगा। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं बेहद इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ जो फर्स्ट ईयर एग्जाम में आने से रिलेटेड हैं।
देखिए अब बेहद इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप सभी उसको नोट कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये सारे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और पूछे जाएंगे। देखिए सबसे पहले यहाँ पर ऑर्थोग्राफिक, जी दोस्तों ऑर्थोग्राफिक अगर पढ़ लेते हैं तो आपका 30 नंबर पूरी तरह से पक्का हो जाएगा, 30 नंबर। जी दोस्तों यहाँ पर आपको फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन और थर्ड एंगल प्रोजेक्शन पढ़ना पड़ेगा। इसकी वीडियो यूट्यूब चैनल पर अपलोड है, टेक्निकल एजुकेशन पर जाकर आप देख लीजिएगा, प्ले लिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएगी। बस आप 15 मिनट में थर्ड एंगल और फर्स्ट एंगल सीख जाएंगे ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन। उसके बाद देख लीजिए यहाँ पर फ्री हैंड स्केचिंग, जी दोस्तों फ्री हैंड स्केचिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी आपने देखा वहाँ पर बॉल पिन हैमर वगैरह आपको पूछा गया था, तो उसमें आपको फाइल हैमर आपको पढ़ना बहुत ही आवश्यक है। इसकी वीडियो अपलोड कर दी जाएगी क्या क्या आपको पढ़ना है, बस आपको एक सिलेबस दिखा रहे हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पर पेंटागनल पिरामिड, जी दोस्तों पेंटागनल पिरामिड भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पूछा चुका है। उसके बाद पेंटागनल प्रिज्म, हेक्सागनल प्रिज्म, फिर ड्रा इलिप्स, जी दोस्तों इलिप्स भी आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। उसके बाद आपको यहाँ पर डायगोनल स्केल, जी हाँ दोस्तों डायगोनल स्केल भी आपको पढ़ना है। उसके बाद टाइप्स ऑफ रिवेट्स, जी हाँ दोस्तों टाइप्स ऑफ रिवेट्स भी आपको पढ़ना है। स्क्रूप थ्रेड्स एंड स्क्रूप, यहाँ पर जो आपका प्लेस्टर होता है उसको भी आपको पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद आपको हेक्सागनल नट, जी हाँ दोस्तों हेक्सागनल नट या फिर स्क्वायर नट भी आपको पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद आपको बोल्ट एंड स्क्रू भी आपको पढ़ना पड़ेगा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपको यहाँ पर रेगुलर हेप्टागन इन सर्किल, इसको भी आपको पढ़ना पड़ेगा। अगर आप इतना जो 12 पॉइंट्स है इसको आप पढ़ लेते हैं तो आपके एग्जाम में 100% अच्छे नंबर आएंगे। तो दोस्तों यह रहा आपका फर्स्ट ईयर एग्जाम से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जिसको आपने देखा। दोस्तों यहाँ पर आपको हम थर्ड एंगल बारे में थोड़ा बता देते हैं क्योंकि बेहद इंपॉर्टेंट है, बच्चे बहुत सारे कमेंट करते थे कि सर थर्ड एंगल बारे में बता दीजिए, दोस्तों थोड़ा सा आपके पास सिखाते हैं। दोस्तों थर्ड एंगल बनाना बेहद ही आसान है, इसकी वीडियो पहले से अपलोड है। दोस्तों अब जल्द ही इसकी वीडियो अपलोड करेंगे ताकि सभी विद्यार्थियों को कन्फ्यूजन दूर हो जाए। ये आपको क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन आप देखिए, क्वेश्चन देखने के बाद आपको हम आंसर बताते हैं कैसे इसको बनाना है। देखिए यहाँ पर बेहद ही आसान होता है, थर्ड एंगल में आपको कैसे पहचानना है कि कौन सा फ्रंट इधर बनेगा टॉप इधर बनेगा, बेहद ही आसान तरीके से आपको हम पहचानने कोशिश करने जा रहे हैं। देखिए यहाँ पर फ्रंट हो गया, यहाँ पर साइड हो गई, और ऊपर वाले को हम टॉप बोलते हैं या फिर हम इसको प्लेन भी बोलते हैं। सबसे पहले आप एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे इस तरह से। लाइन ड्रॉ करने के बाद देखिए जो थर्ड एंगल में क्या होता है, हमेशा लेफ्ट हैंड साइड दिखने वाला लेफ्ट हैंड साइड ही बनता है और राइट हैंड दिखने वाला राइट साइड ही बनता है। मतलब फ्रंट आपका यहाँ पर राइट हैंड साइड दिखाई दे रहा है तो यहाँ पर आप फ्रंट को राइट हैंड साइड ही बनाएंगे। आपका साइड यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड दिखाई दे रहा है तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड बनाएंगे, और टॉप हमेशा फ्रंट के ऊपर बनता है। तो कुछ तरह से आपका यहाँ फिगर बनेगा। दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए कुछ तरह से आपका आंसर बना है, यहाँ पर आपका फ्रंट बना हुआ है, यहाँ पर आपकी साइड बनी हुई है, और यहाँ पर आपका टॉप बना है। तो कुछ तरह से हम यहाँ पर बनाते हैं और आपको हम सिखाते हैं। तो दोस्तों आप थोड़ा सा देखिएगा, तो देखिए यहाँ पर पहले हम एक लाइन ड्रा कर लेंगे कुछ इस तरह से। उसको ड्रा करने के बाद यहाँ पर आपका फ्रंट, जो फ्रंट आपका दिखाई दे रहा है उसको आप सेट कर लीजिएगा। तो फ्रंट हमारा कुछ इस तरह इतना दिखाई दे रहा है, इसको हमने सेट कर लिया। उसके बाद देख लीजिए यहाँ पर 70 mm की लाइन खींची गई है, कितनी खींची गई है 70 mm की। तो 70 mm की हम एक लाइन खींचते हैं कुछ इस तरह से होगी हमारी। देखिए यहाँ पर 17 mm की हमने खींच लिया। उसके बाद यहाँ से ऊपर देख लीजिए, ऊपर से यहाँ पर 20 की है तो हमने यहाँ 20 के कर और फिर ऊपर से ऐसे कर लिए, फिर हमसे ऐसे कर लिए ये आपका फ्रंट बन गया। जी दोस्तों ये आपका फ्रंट बन गया। उसके बाद क्या करते हैं, जितने भी लाइन्स यहाँ पर होती हैं उसको हम ऊपर ड्रा कर लेते हैं या फिर हम इस साइड ड्रा कर लेंगे। तो हम यहाँ पर इस साइड भी ड्रा करेंगे, इस साइड हम इस लाइन को ड्रा कर लेते हैं, जितनी लाइन इसमें निकलती हैं इस साइड कर लिए, जिससे बेहद ही आसान हो जाता है। उसके बाद हम यहाँ पर आप साइड बनाएंगे, क्या बनाएंगे साइड बनाएंगे। तो साइड में देखिए हमको क्या दिखाई दे रहा है, साइड में हमें ये दिखाई दे रहा है और ये दिखाई दे रहा है, जितना साइड में दिखाई देगा उतना आप बनाइएगा। तो साइड में हमें ए लाइन दिखाई दे रही है, ए लाइन हमारी कितने की होगी 20 हो गई, तो जो लाइन ए वाली आएगी वही लाइन ए भी आ रही है। तो यहाँ पर देख लीजिए तो ये हमारा 20 का हो गया। उसके बाद ऊपर वाली लाइन है 40 की, तो ये हमारा 40 का हो जाएगा ऊपर वाला। तो कुछ इस तरह से यहाँ पर आपका यहाँ पर साइड बन जाएगा। उसके बाद आप क्या करेंगे, इस लाइन को आप आगे इस तरह बढ़ाएंगे और यहाँ से आप क्या करेंगे, यहाँ से आप 45 का एक लाइन खींच लेंगे, 45 का खींच लेंगे और जितने लाइन्स यहाँ से मिलेंगी उतने सारी लाइन्स को आप इधर मिला देंगे, और जो नीचे वाली लाइन है इसको भी आप ऊपर की तरफ मिला देंगे। उसके बाद आपका जो टॉप है कुछ तरह दिखाई देगा, टॉप में आप देख लीजिए, टॉप में ये आपको दिखाई देगा, ये दिखाई देगा और ये दिखाई देगा। तो दोस्तों ये आपको टॉप कुछ इस तरह से हो गया, यहाँ पर देख लीजिए एक आपका ये वाला टॉप यहाँ पर हो गया ऐसे, और जो साइड साइड का यहाँ पर है ये आपका इधर से हो गया। बेहद ही आसान तरीके से आपको बना सिखाए हैं, ये आपका टॉप हो गया, ये आपका फ्रंट हो गया और ये आपकी साइड हो गई। दोस्तों इसको बनाना बेहद ही आसान है, जल्द ही आपको हम कॉपी पर बताएंगे, बहुत ही आसान तरीके से आपको सिखाएंगे। वैसा वीडियो आपको YouTube पर नहीं मिलेगी, जी हाँ दोस्तों YouTube पे वैसी वीडियो नहीं मिलेगी जैसे आपको हम सिखाने जाएंगे। तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा, अगले पार्ट में हम आपको इसको बताएंगे। ये देख लीजिए आपका आंसर, बेहद ही अच्छे से आंसर आप देख लीजिए, कुछ इस तरह से हमने इसको बनाया था, डायमेंशन नहीं किए थे। तो जैसे हम कॉपी बनाएंगे डायमेंशन भी करेंगे, और बहुत सारे ऐसे जो प्रश्न हैं थर्ड एंगल प्रोजेक्शन आपको वहाँ सिखा देंगे बिल्कुल ही नए अवे में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों।